Hi, I'm Mohit Bambi and I'm Director of Allegiant Developers Private Limited. I'm working with Auris from a long time, and the owners and directors of the company and the people of the company are very good. They are very supportive, and Auris is one of the biggest brands of in Gurgaon, and they have the largest land base in Gurgaon. So I'm very happy in working with Auris. Great company, great people, great pricing, great deliveries. Auris Gateway की जो लोकेशन है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस पॉसिबल इन गुड़गांव। और जो गेटवे है वो बैंक NH 8 पर है, और जितना हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जितनी भी जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो सारी NH 8 के ऊपर ही आती हैं। राइट, वी कैन स्टार्ट विद एयरपोर्ट। दो इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज लोकेटेड ऑन NH 8। उसके बाद जैसे ही हम अपनी गुड़गांव में एंटर करते हैं, सो देर आर बेस्ट ऑफ द मॉल्स आर लोकेटेड ऑन NH 8, बेस्ट रिटेल हब्स आर लोकेटेड ऑन NH 8। और जितना मैं विजन देख पा रहा हूँ इस प्रोडक्ट को लेके, सारा ये प्रीमियम रिटेल हब गेटवे बनेगा, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो एग्जिस्टिंग है गुड़गांव में वो यहाँ आ सकते हैं, जिसमें डोमिनोज हो सकता है, जिसमें MNS हो सकता है, ज़ारा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि विसिनिटी में बहुत लोग आने वाले हैं और ये हाई डेंसिटी एरिया होगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स की आने की गुंजाइश है, जो कि गेटवे से अच्छी ऑप्शन ब्रांड्स के लिए अवेलेबल नहीं होगी। सो गेटवे को 100 में से 100 मार्क्स फॉर लोकेशन। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर और इस गेटवे एक गेटेड कम्युनिटी है, एक कमर्शियल कॉलोनी है जो कि STO प्लॉट्स के साथ आई है। इसके अंदर हमारे पास जैसे दो साइजेस अवेलेबल है, 104 एंड 75 स्क्वेयर यार्ड्स। और एक SCO लेने का बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो एरिया होता है वो ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो साहब इसके अंदर हम कुल 6 फ्लोर बना सकते हैं, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। इसके अंदर आप जितना एरिया आपके पास अवेलेबल है आप उसमें 100% कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो जितना एरिया आप बनाएंगे उतना एरिया ही रेंट में चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई कारपेट और सुपर एरिया का रेशो नहीं होता। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर यही एरिया अगर हम किसी कमर्शियल मॉल में लेते हैं तो हमें उसके लिए डबल पैसे देने पड़ेंगे। तो एक तरह से SCO का जो एरिया पर स्क्वेयर फीट एरिया है वो रेजिडेंशियल के प्राइसिंग में आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलती है, जिसकी वजह से रेंटल्स यील्ड बहुत अच्छी मिलती है। सो इसलिए SCO इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको रेंटल यील्ड भी अच्छा मिलता है, आपके पास एरिया भी पूरा 100% कवरेज मिलती है, और लोकेशनल एडवांटेज तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट है ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑस्पेक्ट है जब हम एक SCO खरीदते हैं कि जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है। बहुत ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर ये प्रॉपर्टी को आप इंजॉय कर सकते हैं। वेयर एज अगर इतनी प्रॉपर्टी अगर आप किसी भी कमर्शियल रिटेल हब में जाएंगे तो वहां पर मेंटेनेंस तकरीबन 20 रुपये पर स्क्वेयर फीट आती है। सो कुल एरिया 20 रुपये स्क्वेयर फीट के हिसाब से अगर आपका 4,000 फुट है तो आपको 80,000 रुपये महीना या 1,00,000 रुपये महीना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जबकि इस केस के अंदर SCO वाला अगर आप लेते हैं तो आपकी मेंटेनेंस निग्लिजिबल है। और इसी लो मेंटेनेंस कॉस्ट एक बहुत बड़ा ऑस्पेक्ट बन जाता है फ्यूचर में रेंट पे चढ़ाने के लिए और रेंटल ईल्ड लेने के लिए।